हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाई हो और महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जो एक SME IPO आने वाला है सिग्नोरिया क्रिएशन का, जिसके बारे में हम पूरी बेसिक से लेकर एडवांस में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ तो देखो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी इस IPO में मुझे अप्लाई करने में, बट क्योंकि थोड़ा सा IPO का मूड माहौल बिगड़ा पड़ा है, जहां पर IPO की लिस्टिंग थोड़ी सी दिक्कत भरी हो रही है और बिलो एक्सपेक्टेशन लिस्टिंग्स हो रही है, तो उसके बेस पर आज के टाइम पर मेरा कोई भी डिसीजन नहीं बन रहा है। बट IPO इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टडी के लिए, बट ऐसा IPO नहीं है कि जिसमें मेरा आज के टाइम पर क्लियर डिस्कशन हो कि इसको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। मतलब कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कैटेगरी में होने वाला है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से IPO का मूड, मार्केट का माहौल और उसी के साथ साथ किस तरीके से बनेगी रैंकिंग, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि बींग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो एक ऐसी कंपनी होने वाली है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेल करती है वुमेन्स क्लोथिंग, जिनमें आ जाता है कुर्तीज, पैंट्स, टॉप्स, कोट, सेट्स, दुपट्टास एंड गाउन्स। और ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली हैं जयपुर में, यानी कि राजस्थान में। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं एज ऑफ Feb 15, 2024, इनके पास 153 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, जिनमें से 45 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं एंड 108 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होने वाले हैं इन द वेरियस डिपार्टमेंट। काम वाइज बात करते हैं तो काम अच्छा है, काम की कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम इनके टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये IPO ओपन होने वाला है 12 मार्च को, क्लोज होगा 14 मार्च को, अलॉटमेंट डेट 15 मार्च, रिफंड इनिशिएशन स्टार्ट फ्रॉम 18 मार्च, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 18 मार्च को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 19 मार्च, फेस वैल्यू रहेगी ₹10 पर शेयर की। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 65 की इंपोर्टेंस होने वाली है, बिकॉज ये IPO भी इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 9.28 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। IPO का साइज काफी छोटे साइज का है, तो वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, और रिस्क बढ़ता है तो हमारा रिवॉर्ड फैक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। NSE के SME पोर्टल पर यह IPO लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते तो 50% का क्वालिफाइड, रिटेल में 35% और HNI में 15% का होने वाला है। लोट साइज में एक लोट 2000 शेयर्स का होने वाला है रिटेल कैटेगरी में, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,30,000 की। HNI में मिनिमम दो लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,60,000 रुपीज की। अब अगर हम इनके प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो वासुदेव अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, मोहित अग्रवाल एंड कृतिका चंचन कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं, प्री इशू होल्डिंग इनकी 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 5.97 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तक पहुंच चुके थे 26 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है, बट 2023 और 2024 में काफी ज्यादा ग्रोइंग रेट देखने को मिली है IPO आने से जस्ट पहले। रेवेन्यू की बात करते हैं, 2021 में था 5.88 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 11.81 करोड़ का, 2023 में 19.15 करोड़ का, पहले 6 मंथ में 6.52 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है 21 से 2023 में, बट यहाँ पर हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते तो 32 लाख का था 2021 में, 2022 में 67 लाख का, 2023 में 2.31 करोड़ का और पहले 6 मंथ में 64 लाख का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट है, बट 2024 के डाटा के फिगर हमें इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि हमारा 2/3 जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है वो सेकेंड हाफ में इंक्रीज होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के, क्योंकि वहां पर ओकेजन काफी ज्यादा होते हैं और वहां पर इनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा सेल आउट होते हैं। और ऐसा वैसे माना जाए तो सच भी है, क्योंकि मोस्टली शादी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें ज्यादातर ठंड में देखने को मिलती है, दिसंबर के आसपास। बट फिलहाल के टाइम पर जो हमें डाटा दिख रहा है, हम उसी के बेस पर बात करेंगे। अगर यहाँ पर ये
थर्ड क्वार्टर का भी रिजल्ट दे देते तो शायद यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत ना होती कि किस तरीके से जहाँ पर हमें फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करते तो 6.47 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 5.36 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 12 करोड़ की होने वाली है, जो 2 करोड़ से इंक्रीज होते थे 12 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूँ, ग्रोइंग रेट अच्छी देखने को मिल रही है 2021 से 2023 में, मतलब कि ये वाले फाइनेंशियल मुझे अच्छे देखने को मिले हैं, बट जैसे 2024 इंक्लूड करता हूँ तो वहां पर मैं ठीक ठाक फाइनेंशियल बोलूंगा, जब तक मुझे डाटा में जहां पर इनके फाइनेंशियल आने वाले टाइम के शो नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो इनको फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सेकेंडली इनको जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। अब अगर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30.93 करोड़ की, अगर हम प्री आईपीओ ईपीएस की बात करें तो 6.94, पोस्ट आईपीओ 3.28, काफी ज्यादा कम है। पीई प्री आईपीओ 9.37, पोस्ट आईपीओ 19.81, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.48% की ठीक ठाक बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 7.38% की कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.96% की ठीक ठाक, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.11 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.88 का अच्छा है। फंडामेंटली भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर इतने अच्छे फंडामेंटल मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो यहां पर ठीक ठाक से फंडामेंटल हम इसके बोल सकते हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में बात करते हैं तो वहां पर नंदिनी क्रिएशन, जिसका पी काफी ज्यादा है, जिसको हम इनडायरेक्टली कंपेयर कर ही नहीं सकते, 585 का चल रहा है। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 76% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अब इम्पोर्टेंस आ चुकी है वैल्यूएशन की, तो अगर हम 2024 फाइनेंशियल डाटा के बेस पर बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा कंपनी यहाँ पर अपना ये आईपीओ लेके आ रही है। बट क्योंकि कंपनी का कहना है कि आने वाले टाइम में, मतलब कि सेकेंड हाफ में हमें अच्छी रेवेन्यू की ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल के टाइम पर जितना हमारे पास फिगर है उसके बेस पर ये वैल्यूएशन वाइज सस्ता नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा। बट यहाँ पर हमने किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दिया, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशनल लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।